हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी यूज ऑफ, जहाँ पे हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे मींस मेरा, उसका, जैसे लड़की के लिए, बॉय के लिए, उनका, बहुत सारे लोगों के लिए, हमारा, इट्स, नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर एनिमल्स वगैरह के लिए, तो कैसे उस सेंटेंसेस जैसे यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं बताऊँ आपको, दिस इज माई डॉग, किस पे फोकस हो रहा है? माई, मेरा डॉग है ये। क्या है? दिस इज माई डॉग। फिर बात करें अगर, दैट इज हर डॉग। हर डॉग मीन्स किसी फीमेल, किसी गर्ल की बात हो रही है। अगर इसी जगह हम ये कर दें, दैट इज His dog, ये हमारी मेल की बात हो रही है, ये उसका, किसी बॉय का या मेल का डॉग है, ये किसी फीमेल या किसी लड़की का डॉग है। और इसी में अगर एक इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, दैट इज डियर डॉग, ये उनका डॉग है। डियर, डियर में आ गए बहुत सारे लोग, ऐसा। तो यहाँ ऊपर सिंगल पर्सन की बात हो रही थी या वन पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे मैनी या प्लूरल पर्सन की बात हो रही है। इसी को अगर हमें क्वेश्चन के रूप में पूछना है तो ऐसे वो भी पूछ सकते हैं, इज दैट योर डॉग, तो योर का यूज भी हो जाएगा। क्या यह तुम्हारा डॉग है? इस तरीके से। तो जो वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स लाइक माई, अवर, हिज, हर, योर, इट्स एंड डियर टेल्स अस पर्टिकुलर थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू होम। तो ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये कोई भी चीज, पर्टिकुलर कोई भी थिंग या कोई भी चीज या कोई भी पर्सन किसको बिलोंग करता है। तो पहले चलिए मैं आपको ये बता देती हूं, आई के साथ हमेशा माई यूज होता है, वी के साथ हमेशा अवर यूज होता है, यू के साथ हमेशा योर यूज होता है, शी के साथ हमेशा हर यूज होता है, शी गर्ल की बात है तो हर यूज होगा, यू योर, तुम्हारा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, मैं मेरा, ही के साथ हिज यूज होता है, इट किसी भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, इट्स उसका, देन दे के साथ यूज होता है देम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक वर्कशीट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लगेगा। जैसे ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें मैंने ये बिलोंगिंग, आई की बात हो रही है तो उससे बिलोंग करता हुआ लिखना है। जैसे वेयर इज डैश पेंसिल बॉक्स, आई मैंने लिखा है इसलिए कि बच्चों को बताना है, आई की बात हो रही है तो आई में क्या लगता है? माई, मेरा, मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? वेयर इज कार, यू, तुमसे पूछ रहे हैं, यू के आगे क्या यूज होता है? योर, शी, मदर इज अ डॉक्टर, शी के साथ यूज होता है हर, हर मदर इज अ डॉक्टर, दे, स्कूल इज इन वसंत विहार, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, देयर, उनका स्कूल वसंत विहार में है, आई रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम फैमिली, आई के साथ हमेशा माई यूज होता है इसलिए मैंने एक पोस्ट कार्ड मेरी फैमिली की तरफ से रिसीव किया है, द बॉय इज डूइंग होमवर्क, बॉय क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है, ही अपना कर रहा है यानी हिज, हिज होमवर्क, द बीज आर बिल्डिंग हाइव,
जो बीज हैं वो अपना घर बना रही हैं, हाइव बना रही हैं। बीज, बहुत सारी बीज की बात हो रही है, इसलिए दे के जगह यूज होता है डियर। वी स्कूल इज फैंटास्टिक, वी के साथ यूज होता है अवर, स्कूल इज फैंटास्टिक। तो ये इस तरीके से एक वर्कशीट है। एक वर्कशीट आप अपने तरफ से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है, शी ब्रशेस, यहाँ पे हर आएगा, हिज आएगा, आप बच्चे से पूछिए। शी के साथ हर यूज होता है। वी हैव नेम्ड अवर पेट ब्रूनो। प्रदीप हैज अ कार, प्रदीप हैज अ कार, ये मैंने इज होगा यहाँ पे, हिज कार इज वेरी ओल्ड। द डॉग वैग्ड, डॉग डॉग एनिमल है, डॉग के साथ हमेशा इट्स यूज होगा। द डॉग वैग्ड इट्स टेल ऑन सीइंग द मास्टर, वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। कैन यू टच डैश टोज, योर टोज, क्या तुम अपने टोज छू सकते हो। ही नेवर कॉम्ब्स हेयर्स, किसके हेयर्स, अपने हेयर्स वो कॉम्ब नहीं करता है। आई मस्ट वॉश क्लोथ्स, आई के साथ क्या यूज होता है, माई, मुझे अपने कपड़े धुलने चाहिए। कैन यू ओपन डैश आइज अंडर वाटर, यू की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज होगा। कैन यू ओपन योर आइज, क्या तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, अंडर वाटर, पानी के नीचे। वी कीप डैश कार इन गैरेज, वी के साथ क्या यूज होता है, अवर कार इन गैरेज। तो ये कुछ एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये जो माई, हर, हिज, दियर, अवर, इट्स वर्ड थे वो किस कहाँ यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।